सबसे पहले बीजेपी विरोधी दलों में सुनामी लाने वाली है। विपक्षी दलों के कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिसे बीजेपी अपने दल में शामिल कराकर विधानसभा चुनाव की तैयारी से पहले ही विपक्ष को जोरदार झटका देना चाहती है। क्या बीजेपी की रणनीति के आगे विरोधी होंगे चित? चुनाव से पहले विरोधियों को लगेगा झटका। झारखंड कांग्रेस की नई टीम के गठन के साथ ही अब टूट की आशंका बढ़ने लगी है। राजनीतिक गलियारे से खबर आ रही है कि पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं कांग्रेस के लोहरदगा विधायक सुखदेव भगत को भी बीजेपी से ऑफर की खबर है। सुखदेव भगत बेबाकी से कह भी रहे हैं कि राजनीति में हर कोई बेहतर कल की तलाश में रहता है, अगर ऐसा कुछ चर्चा है तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लोग संभावनाएं तलाशते भी हैं, जिसे कहा जाए तथाकथित रूप से राजनीति के जो प्रकांड विद्वान होते हैं वो हमेशा कयास लगाते हैं, उनका अपना एंटिसिपेशन होता है, अपना कैलकुलेशन होता है, वो अपने तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। अगर कोई भी विपक्ष के लोग भी अगर मेरे पे मुझे अप्रोच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इसका ये अर्थ होता कि आप कैपेबल हैं तो लोग अप्रोच कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुखदेव भगत की बातें बहुत कुछ कह रही हैं, तो क्या मान लिया जाए कि विपक्ष के नेताओं पर बीजेपी की भी नजर है? जो लोग अजय कुमार हो चाहे सारंगी जी चाहे जो भी हो, यदि इनके भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर यदि आना चाहते हैं तो स्वागत है और किसी को कोई रोक नहीं है, लेकिन विचार सही होना चाहिए, उद्देश्य सही होना चाहिए, विचारधारा से जुड़कर लोगों को शामिल होना चाहिए। नेता का हम स्वागत करेंगे लेकिन बिना शर्त और पार्टी की सैद्धांतिक अधिष्ठान को जानने का प्रयास और समझने का प्रयास, और प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के प्रति नेतृत्व पसंद आएगा, वो आएंगे, उनका स्वागत है। वहीं बहरागोड़ा से जेएमएम के विधायक कुणाल शाड़ंगी बीजेपी में शामिल होने की खबर का खंडन कर रहे हैं। व्यक्तिगत रिश्तों का राजनीतिक आकलन नहीं होना चाहिए, राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। और हर बार इस बात को वो बिल्कुल, मेरे पिताजी से बहुत ही व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, बहुत अरसे तक उन्होंने उसी पार्टी में उनके साथ मंत्रिमंडल में भी काम किया है, तो ये व्यक्तिगत रिश्ते के तौर पर वो आए थे, मुझे नहीं लगता उसका राजनीतिक आकलन होना चाहिए। राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है आगे आने वाले दिनों में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुमार चंदन।